सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी, आम किसान के घर से वीडियो लेके आ रहे हैं जी। और हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा पशुधन दिखाया जाए। तो आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है, गांव रोजवास और ज़िला लगता है जी रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो में एक दूध वाली भैंस और एक जो इसका शानदार जो कटड़ा है इसकी वीडियो लेके आ रहे हैं जी। भाई साहब से हम इन दोनों की डिटेल्स पूछें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो भाई से मिलाते हैं और इस पशुधन की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। भाई साहब सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अशोक कुमार। तो एक बार एड्रेस और बता दीजिए भाई साहब। गाँव रोजवास। हाँ जी, रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। तो आज की वीडियो में आप हमारे से दो पशुधन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका घर का पशुधन है पाला हुआ? हाँ, घर का। आपका घर का पाला हुआ पशुधन है। तो काम क्या करते हैं आप? मैं गुड़गांव रहता हूँ, मेरा टैक्सी सर्विस का काम है। अच्छा अच्छा गुड़गांव में जॉब करते हैं आप? हाँ। ठीक है, गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो आज जो हमारे से जो आप पशुधन दिखा रही हूँ बिक्री के लिए उपलब्ध है? हाँ, बिक्री, बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो जो जोटी है इसकी डिटेल्स बताएं भाई साहब। ये अभी थर्ड लैक्टेशन करेगी। अच्छा, थर्ड लैक्टेशन में काउइंग करेगी। ठीक है, और दूसरे लैक्टेशन में क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है भाई साहब इसका? दूसरे लैक्टेशन में इसने 18 से 19 किलो दूध दिया। 18 से 19 किलो दूध दूसरे लैक्टेशन में दिया हुआ है। ठीक है, 18 से 19 किलो दूध जो कि इसने दूसरे लैक्टेशन में दिया हुआ है। और आप लोगों को एक बार कवर करके दिखाना चाहेंगे भाई साहब, कितना टाइम बचता है इसका? इसके 15 दिन बचे हैं। 15 दिन जो कि अभी से काउइंग करने का बचा हुआ है, और जो अभी इसने अडर को ग्रोथ करना है वो शुरू कर दिया। बिल्कुल मुठ्ठी आकार के थन हैं और अडर अभी से इसने जो कि खोलना शुरू कर दिया है। और पीछे से भी आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे जी, ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन। और एक बार भाई साहब इसको खोल के चला के दिखाएं, जो इसका व्यक्तित्व है वो भी पशुपालक भाइयों से ज़रूर कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से इनकी हाइट, लेंथ, वेट काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें इस जोटी में देखने को मिला। और ये देख सकते हैं 18-19 किलो दूध जो कि दूसरे ब्यात में इसने दिया हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल जो कि डाइट में, क्योंकि आम किसान हैं ज़्यादातर जो कि नॉर्मल से नॉर्मल डाइट में जो कि पशुधन को रखते हैं, और उसी डाइट में जो कि इसने 18 से 19 किलो दूध दिया हुआ है। तो कौन से बुल से अब की बार भाई साहब क्या बिन कराया है इसको? M416 से, HLDB के M416 से इसको जो कि गैबिन है वो कराया है। ठीक है भाई साहब, लिए हैं। और जो टैल है बिल्कुल एक भी बाल वाइट नहीं है, पूरी की पूरी जेड ब्लैक। और जो अडर है ये देख सकते हैं जी, काफ़ी साफ सुथरा अडर। और टाइम अभी से बचता है, जैसे जैसे टाइम पे आएगी वैसा वैसा जो कि अडर है वो हमें इस जोटी का देखने को मिलेगा। ये भी भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है, तीसरे लैक्टेशन में काउइंग करेगी, 15 दिन अभी से टाइम बाकी है। तो भाई साहब लगभग बिक्री के लिए उपलब्ध है। हाँ, तो क्या कुछ रेट रहेगा? रेट इसका मुके का रहेगा। रेट मुके का करना चाहेंगे? हाँ। ठीक है, रेट है भाई साहब इसका मुके पर करना चाहेंगे। तो बात करें भाई साहब जो दूसरे नंबर पर जो इसका कटड़ा, इसकी डिटेल्स बताएं, एज कितनी है भाई साहब इसकी? 22 महीने का कटड़ा है। 22 महीने की एज है। ठीक है, तो कौन से लैक्टेशन का इसका? ये फर्स्ट लैक्टेशन। फर्स्ट लैक्टेशन का है। ठीक है, फर्स्ट लैक्टेशन का है, तो 22 मंथ की एज है। तो लगभग भाई साहब इसकी फादर लाइन की बात करें तो ये कौन सा है? ये भी M416 काफ़ी अच्छा से अच्छा देखने को मिलता है। कटड़े की जो पीठ क्वालिटी है, एक बार डट के रखें भाई साहब, जो कटड़े की जो पीठ क्वालिटी, जो पीठ पुट्ठा है काफ़ी शानदार। और जो इसके टेस्टिकल हैं 22 महीने की एज में जो टेस्टिकल हैं, शायद ही जो अडल्ट अडल्ट बुल होते हैं उसके समान जो इसका टेस्टिकल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल जेड ब्लैक टैल के साथ आप यहाँ पे जो कटड़ा है वो देख पा रहे हैं। पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा, एक बार आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहिए, ये देख सकते हैं जी पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा है। तो भाई साहब इसको एक बार खोल के चला के दिखाएं, जो इसका व्यक्तित्व है वो भी हम पशुपालक भाइयों से ज़रूर इस वीडियो में कवर करके दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ा जो कि कैमरे को देख के डरता ज़रूर है, जो शांत स्वभाव है कटड़े में, बाकी काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हैं, ले चलिए भाई साहब 22 मंथ की एज में जो इसकी लेंथ है, क्वालिटी है, लेंथ हाइट काफ़ी अच्छी, M416 का खुद है। तो
तो भाई साहब जो आप 18 लीटर दूध बता रहे हैं नॉर्मल से नॉर्मल डाइट में था? नॉर्मल डाइट में था और 18 लीटर दूध इसका तब था, ये 2 महीने पहले भी आ गई थी टाइम से। अच्छा अच्छा 2 महीने पहले भी आ गई थी, ठीक है। 22 महीने इसकी। अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जो कि भाई साहब का कहना कि जब दूसरे लैक्टेशन में जब इसने काविंग करी 2 महीने पहले ही, जो कि इसने काविंग कर दी थी इसकी माँ ने, तब जो कि 18 से 19 लीटर दूध इसकी माँ ने दर्ज भाई की गर्भित दिया है, तो कितने दूध पे जा सकती थी? ये 23 से 24 लीटर दूध निकालते। 23 से 24 लीटर दूध की खुली भैंस थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, बांध लीजिए भाई साहब 23 से 24 किलो दूध की माँ का जो कटड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, किसी मजबूरी के कारण जो कि भाई साहब सेल कर रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने हमारे से बताया था कि वहाँ गुड़गांव में भाई साहब जो कि सेटल होना चाहते हैं, इसी कारणवश जो कि इस पशुधन को जो कि भाई साहब सेल है वो कर रहे हैं। और जो बाहर के जो बायर्स हैं ज़्यादातर हमें देख रहे हैं कि हरियाणा से लगभग 3 से 4 गाड़ियां बाहर जाती, महाराष्ट्र, गुजरात और बात करें हम MP, यहां पे जो कि गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आप हरियाणा से भैंस से या फिर कटड़िया लेके जा रहे हैं तो हरियाणा से कटड़ा भी सिलेक्ट करें, ताकि आपको नस्ल सुधार के में काफ़ी योगदान रहे। क्योंकि सीमन से काफ़ी कम जो कटड़ियां हैं या फिर हम भैंसें हैं काफ़ी कम कंस्यू होती है, काफ़ी कम जो कि मात्रा में कंस्यू कर पाती, लेकिन एक अगर कटड़ा होता है तो उससे ज़्यादातर हम बात करें जो गाभिन होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो भाई साहब ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है? बिक्री के लिए उपलब्ध, तो रेट इसका भी मौके पर करेंगे। तो रेट एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताएँ। 9899। हाँ जी 7233। ठीक है 50। तो भाई का आप जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दूध वाली भैंस और इसका जो फर्स्ट लैक्टेशन का जो कटड़ा है वो भी भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगर आप किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।